चलो, लास्ट क्लास में हमने बात की थी अभिलेखों के बारे में, और अभिलेखों का हमने देखा था कि कुछ महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं वो क्या क्या हैं, है ना। जिसमें हमने बहुत सारे अभिलेखों के बारे में बात की, चाहे वो ऐहोल प्रशस्ति हो, प्राग प्रशस्ति हो, ठीक है, उत्तर मेरुर अभिलेख हो, नानाघाट अभिलेख हो, ठीक है, इन सब के बारे में हमने बात की थी। और हमने स्टार्ट किया था सिक्के, ठीक है, और क्लास बीच में यहाँ पर खत्म हो गई किसी कारणों से। हम वहीं से वापस से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने, है ना, प्रारंभ करने की कोशिश की थी, मोहरे और सिक्के। मोहरे और सिक्के, ठीक है, यही देख रहे थे अपन। मोहरों का अर्थ पता है हमको, सील होता है ना। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में हमको मोहरों के बारे में जानकारी मिलती है, जहां पर, है ना, जो पवित्र पशु था बैल, कुबड़ वाला सांड, उसके सील हमको मेसोपोटामिया से प्राप्त हुए हैं, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार इन क्षेत्रों में होता था, और साथ ही साथ, है ना, ये पशु जो है उनके लिए पवित्र था, है ना। और इस सील का प्रयोग वस्तु की गोपनीयता, जो भी लौट जाता था सामान, है ना, वो डैमेज नहीं हुआ है, वो खुला नहीं है, इस गोपनीयता का प्रतीक हुआ करता था वो सील, ठीक है, जो किससे बना हुआ करता था, सैल खड़ी का टाल से, ठीक है। तो मैंने ये बताया था, और आज हमको बात करना है सिक्कों के बारे में, सिक्कों, है ना, कॉइन्स के बारे में बात करनी है। और सबसे पहले हम यही देखेंगे कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। सिक्कों का अध्ययन कई बार पूछा गया है, तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यू मैथमेटिक्स, ठीक है, न्यू मैथमेटिक्स कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका आपसे कि भाई सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यू मैथमेटिक्स कहलाता है। अब देखो, मैंने बताया था कि सर्वप्रथम जो सिक्के आए, है ना, वो किसके हुआ करते थे, आपकी चांदी के हुआ करते थे, है ना। तो सबसे पहले जब लोगों ने सिक्कों का, अब ऐसा थोड़ी कि पहले लोगों को पता था कि कैसे सिक्के बनाए, तो उन्होंने सबसे पहले जो चीज स्टार्ट की वो स्टार्ट की आपकी, कि भैया हम क्या करेंगे, धातु की कोई चादर होगी, है ना, उस पर हम आहत करेंगे, है ना, क्या करेंगे, पंच करेंगे, है ना, ठीक है। तो पंच करके जो सिक्के बने उन्हें हमने आहत सिक्के कहा, या जिसे पंच मार्क सिक्के कहा, पंच करके, है ना, आघात करके, पंच मार्क सिक्के इन्हें कहा गया, ठीक है, क्या आहत सिक्के या पंच मार्क सिक्के, ठीक है। अब ये जो आहत सिक्के या पंच मार्क सिक्के जो होते थे उस समय चांदी या तांबे के होते थे, और इन्हें कासार्पण कहा गया है, क्या कहा गया है, कासार्पण कहा गया है साहित्यों में, क्या कहा गया है जी, कासार्पण कहा गया है साहित्यों में। फिर उसके बाद हम आगे अगर बात करें, है ना, एक एक करके चीजों को देखते जाते हैं, तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करवाया, है ना, कुछ भी लेख उत्कीर्ण करवाया किसने, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, भैया सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण किसने करवाया, तो सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण कराने का जो श्रेय है वो मैंने बताया था कि भाई यूनानियों को है, किसको है, यूनानी, है ना, तो यूनानियों को है, और यूनानियों को हिंद यवन भी कहा जाता है, इंडो बैक्ट्रियन भी कहा जाता है, हिंद यवन भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, हिंद यवन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा सर्वप्रथम, है ना, स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय भी किसको जाता है, आपके यूनानियों को भी जाता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करवाया, है ना, किसने, यूनानियों ने, स्वर्ण सिक्के जारी किए सबसे पहले किसने, यूनानियों ने, है ना। और इसमें वर्णन मिलता है मिनांडर का, मिनांडर जिसे हम मिलिंद कहते हैं, है ना, मिलिंद नागसेन संवाद के बारे में भी बात होती है ना, ठीक है। तो मिनांडर जो है इसने धर्म चक्र उत्कीर्ण, क्या, धम्म चक्र व उलूक, उल्लू, है ना,
उलुक उत्कीर्ण सिक्के जारी किए किसने? मिलांडर ने, है ना। ठीक है जी, आगे हम पढ़ेंगे, बौद्ध जब पढ़ेंगे तो क्या मिलिंद और नागसेन संवाद के बारे में हम वहां पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण कराए यूनानियों ने, है ना। ठीक है, और स्वर्ण सिक्के जारी करने का भी श्रेय यूनानियों को है। ठीक है, अब देखो, सर्वाधिक सिक्के जारी किए, सर्वाधिक सिक्के जारी करने वाले, है ना। सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए? मौर्यों ने, है ना। भैया सीधी सी बात है, जिसके काल में, है ना, आप प्रसार जो है, राज क्षेत्र का प्रसार जो है वो इतने बड़े क्षेत्र में होगा, साथ ही साथ कि भाई अब जितनी बड़ा जितना बड़ा राज्य क्षेत्र तो उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, और उतनी ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए उतने ही ज्यादा क्या चाहिए? फ्लुइडिटी चाहिए, है ना, तरलता चाहिए, है ना, लिक्विडिटी चाहिए, है ना, किसमें? मार्केट में। तो अर्थव्यवस्था में पैसा डालना पड़ेगा आपको, तो इसीलिए अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा पैसा किसने डाला? मौर्यों ने डाला। ठीक है, किसने डाला? मौर्यों ने डाला। और मौर्यों ने डाला है तो भैया आपको इसके साहित्य जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो देखने को ही मिलेंगे, तो सर्वाधिक मौर्य सिक्के प्राप्त हुए होंगे। इसी कारण हम कहते हैं कि भाई मौर्यों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए। ठीक है, क्लियर। कोई ऐसा कोई आदमी वहां पर खड़ा होकर नहीं बताया भैया 1 करोड़ सिक्के जारी किए, ऐसा नहीं है ना। हमको जो सिक्के ज्यादा जितनी फ्लुएंसी से प्राप्त होते हैं, जितने ज्यादा एरिया में हमको प्राप्त होते हैं, उसी आधार पर हमने तय किया कि मौर्यों ने जो है सर्वाधिक सिक्के जारी किए। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दिनांकित सिक्के, दिनांकित मैंने समझ रहा हूं जिसमें तिथि या दिन का क्या हो, वर्णन हो, है ना। ठीक है, ईयर का वर्णन हो कि उसने वो सिक्के कब जारी हुए। ठीक है, तो दिनांकित जो सिक्के हैं वो जारी करने का श्रेय किसको जाता है जी? शकों को जाता है। ठीक है, मैंने बताया था ना शक के बारे में, है ना। ठीक है, क्या शक? ठीक है, तो शक इनको जाता है। शकों में एक थे रुद्र दमन, रुद्र दमन, इसने ना संस्कृत में सिक्के जारी किए थे, संस्कृत में लेख उत्कीर्ण सिक्के जारी किए थे। किसने? रुद्र दमन ने। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। और उसके बाद अब देखो, अभी मैंने बताया कि स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय सबसे पहले यूनानियों को है भारत में, है ना। फिर बात आती है कि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के, है ना, प्योरिटी के बारे में बात की जाए। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? प्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए, किससे जारी किए? तो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी जो करने का श्रेय है वो किसको है? आपके कुषाणों को। ठीक है, कुषाण जो है उन्होंने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए। किन्होंने? कुषाणों ने, कुषाण। ठीक है जी, किसने? कुषाणों ने। ठीक है जी, 124 ग्रेन के सिक्के हुआ कर रहे थे, 124 ग्रेन के ये सिक्के हुआ करते थे। क्लियर। अब देखो इसके अलावा, अच्छा इसमें और डीप डाइव करें अगर क्वेश्चन, उसमें और ज्यादा जाके आपसे, है ना, ज्यादा डीपली अगर पूछे, है ना, तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। ठीक है, तो कुषाणों में तो ठीक है जारी किए, लेकिन उसमें सबसे पहला शासक कौन था? तो वीन कैडबियस, कैडफियस, वीन कैडफियस, ये पहला शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के, शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक ताम्र सिक्के, सर्वाधिक ताम्र सिक्के जारी करने का श्रेय भी किसको जाता है? कुषाणों को जाता है। आप, मैंने बोला कि मैं जब सिक्के पढ़ा रहा हूं तो आपको बहुत ही डेप्थ में हम ये बताएंगे कि सिक्के, सिक्कों का इतिहास क्या रहा है।
सिक्कों से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, पूरे इतिहास में जितना भी सिक्कों संबंधित या मुद्रा संबंधित चीजें हैं, है ना, वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और बहुत ही आप सरप्राइज होंगे कि इतनी सारी चीजें हैं और उसमें से आपने बहुत सारी चीजों को देखा भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा। तो पूरा एक छत के नीचे, एक वीडियो के नीचे ये पूरा जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएगा आपका सिक्कों का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, इसको मिस नहीं करना है और उसको पूरा याद रखना है ना। ठीक है, तो देखो सर्वाधिक ताम्र सिक्के, देखो ये हर एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपको भी एग्जाम दे दो है ना, ये पूछा ही जा सकता है। ठीक है, और इतने डेप्थ में पढ़ने का आशय यही है कि आपका सब एग्जाम कवर हो, आगे आगे आने वाले कोई भी, चाहे व्यापम के एग्जाम हो, चाहे CGPSC हो, चाहे रेलवेज हो, ठीक है, हर चीज में कवर करेगा। ठीक है, बड़ी मछली के जाल डालो छोटी मछली फंसेगी। ठीक है, तो सर्वाधिक ताम्र सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाणों को है। फिर उसके बाद अब भैया क्वालिटी की बात हमने की है ना, क्वालिटी की बात की, अब बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांट सिक्कों में हमने क्वालिटी किसके पास देखी, कुषाणों के पास। अब सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय, ठीक है, अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की। तो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए, गुप्तों ने। ठीक है, किसने जारी किए, गुप्तों ने सर्वाधिक शुद्ध सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो देखो स्वर्ण सिक्कों के इतिहास क्या रहा, यूनानी जो थे वो पहले थे जिन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए, है ना। तो यूनानी जो थे वो पहले थे। क्वांट क्वालिटी की बात करें, पहले क्वालिटी आएगी, क्वालिटी किसने की, तो कुषाणों के पास थी क्वालिटी, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के। क्वांटिटी की बात करेंगे तो कौन आएगा, गुप्त आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब गुप्तों में से भी ना क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि भैया बताओ कि ये चंद्रगुप्त जो है ना, चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त इसके जो सिक्के थे वो किसके थे, तो चंद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए सिक्के चांदी के थे। ठीक, किसके थे, चांदी के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं हम, है ना, चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर रहे हैं। रामगुप्त ने किस तरह के स्वर्ण सिक्के, किस तरह के सिक्के जारी किए, तो रामगुप्त के जो सिक्के हैं वो ताम्र सिक्के थे, है ना। ठीक है, जैसी जैसी अर्थव्यवस्था वैसा वैसा सिक्का। ठीक है, फिर आते हैं कि भैया वीणा बजाते हुए, है ना, क्या ऐसे वीणा बजा रहा है वो, ठीक, ये तो वीणा बजाते हैं, वीणा वाले सिक्के ये किसने जारी किए, तो समुद्रगुप्त ने जारी किए, समुद्रगुप्त ने जारी किए। क्वेश्चन पूछता है कि वीणा बजाते हुए सिक्के, है ना, वही समुद्रगुप्त जिसने दक्षिण विजय अभियान किया। ठीक है, समझ में आ रहा है, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने कैसे सिक्के जारी किए, वीणा बजाते हुए सिक्के जारी किए। मयूर सिक्के, मयूर सिक्के, मयूर सिक्कों में कार्तिकेय का चित्रण, कार्तिकेय का चित्रण ये किसने जारी किया, तो कुमार गुप्त ने, कुमार गुप्त किसने जारी किया, कुमार गुप्त। ठीक है, समझ में आ रहा है, मयूर सिक्के, मयूर सिक्कों में कार्तिकेय किसने जारी किया, कुमार गुप्त ने। ठीक है, फिर है बैल उत्कीर्ण सिक्के, क्या बैल उत्कीर्ण सिक्के ये किसने जारी किया, स्कंद गुप्त ने, किसने, स्कंद गुप्त ने। ठीक है, भूलेंगे नहीं आप, है ना, क्या भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त, मयूर सिक्के कुमार, है ना, ठीक है, ये कार्तिकेय कुमार, बैल स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए, रामगुप्त ने ताम्र सिक्के जारी किए। ठीक है जी, क्लियर है ना। फिर अब इस तरह की बात हो ही रही है तो नाव उत्कीर्ण सिक्के, है ना, ये नाव उत्कीर्ण सिक्के,
ठीक है, तो ना उत्कीर्ण सिक्के जो है यज्ञश्री सप्तकर्णी के हैं। इसका है यज्ञश्री सातकर्णी या सप्तकर्णी, जो भी लिख लो तुम। तो ना उत्कीर्ण जो सिक्के हैं यज्ञश्री सप्तकर्णी के, सातवाहन शासक। यज्ञश्री सप्तकर्णी का है, ठीक है? क्या ना उत्कीर्ण सिक्के किसका? यज्ञश्री सप्तकर्णी का। इसके अलावा आप सातानों की बात ही कर रहे हैं तो सीसे या पोटीन के सिक्के, कांच के सिक्के, है ना, वही सीसा या कांच। तो कांच के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? सातवाहनों को जाता है। वही सातवाहन जिन्होंने क्या किया था, भूमिदान की परंपरा आरंभ की, है ना? ठीक है, पैठन महाराष्ट्र इनका केंद्र हुआ करता था सातवाहनों का। ठीक है, इसके अलावा कांच के और पोटिन के सिक्के ग्रीकों ने भी चलाए, ग्रीक यूनानी जो थे उन्होंने भी चलाए। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया? तो ये समझ में आया, आज सिक्के काशार्पण कहा गया, सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के यूनानियों ने, सर्वप्रथम है ना सिक्कों में लेख उत्कीर्ण यूनानियों ने, क्वालिटी किसके पास थी? कुषाणों के पास थी स्वर्ण सिक्कों में, क्वांटिटी गुप्तों के पास थी, सर्वाधिक ताम्र सिक्के यूनानी। ठीक है, क्लियर। फिर हमने देखा कि भाई सर्वाधिक सिक्के किसे चलाए? मौर्यों ने चलाए। सर्वाधिक सिक्के किसे चलाए? मौर्यों ने। दिन अंकित किया शकों ने, किसने किया? शकों ने दिन अंकित किया सिक्कों में, क्लियर, किसने किया? शकों ने किया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, शकों ने क्या किया आपका? दिन अंकित किया सिक्कों में। और इसके अलावा क्या कि भाई कैसे कैसे सिक्के थे? सर्वाधिक ताम्र सिक्के तो कुषाणों ने जारी किए, चंद्रगुप्त का सिक्का चांदी का था, रामगुप्त का तांबा का था, कुमार गुप्त ने कैसे सिक्का चलाया? मयूर, कार्तिकेय, वीणा बजाते हुए, समुद्रगुप्त ने बैल अंकित, स्कंदगुप्त ने नाविका, यज्ञश्री सप्तकर्णी ने, सीसे पोटिन के सिक्के, सातवाहनों ने, ग्रीकों ने। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स मैं बता रहा हूं, ठीक है, ज्यादा हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है, तो हम इस एरिया का प्रयोग कर रहे हैं, है ना? यहां पर आप चमड़े के सिक्के, आपने सोचा नहीं होगा कि चमड़े का सिक्के भी चला, आप तो सोच के ही इसको वो आ जाएगा, भाई चमड़ा का सिक्का कौन रखता है? पानी में भीग गया तो क्या होगा, है ना? तो चमड़ा का सिक्का चलाने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। बोले फिर आप बोलोगे सर मोहम्मद बिन तुगलक है, हम लोग तो कोई हुमायूं काल का सिर्फ सुने थे, निजाम भिस्ती का। तो देखो चमड़े का सिक्के चलाने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को है, शासक के बारे में अगर बात करें। इसके अलावा ये तो मोहम्मद बिन तुगलक 13वीं शताब्दी में इसको स्टार्ट किया था, लेकिन एक था निजाम भिस्ती, क्या था? एक नाविक था, ये भिस्ती था। होता क्या है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य चौसा का युद्ध होता है, चौसा बिलग्राम का युद्ध याद होगा, अगर पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा आपने, तो चौसा बिलग्राम का युद्ध होता है आपका 15वीं 16वीं शताब्दी में, है ना, 1539-34 के आसपास है ना? ठीक है, तो चौसा का युद्ध होता है 16वीं शताब्दी में, किसके मध्य? शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य। हुमायूं भागता है ना, और मरते मरते बचता है ना, और इसको बचा बचाता है कौन? निजाम भिस्ती नामक एक भिस्ती ने, वो उसको बचाता है, और हुमायूं उसको वचन देता है कि जिस दिन भी मैं शासन को पुनः प्राप्त करूंगा तुम्हें एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। ठीक है, और वो हुमायूं अपना वादा पूरा भी करता है और निजाम भिस्ती को एक दिन का बादशाह बना देता है। सोचो तो एक दिन का बादशाह बना, क्वेश्चन पूछ सकता है इस संबंध में कि किसे
हुमायूं ने, इसके शासक ने एक दिन का बादशाह बना दिया एक भिस्ती को, है ना, तो हुमायूं के काल में। और इसने जब क्या बना, ये एक दिन का बादशाह बना, तो इसने भी चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे। किसने? इसी निजाम भिस्ती ने, ठीक, इसने निजाम भिस्ती ने, दिल्ली सल्तनत में ये चीज हुई थी। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं अगर मोहम्मद बिन तुगलक की, तो हम आप इसके कारनामों के बारे में बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, क्या मोहम्मद बिन तुगलक, इसे अभागा आदर्शवादी भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, अभागा आदर्शवादी, है ना, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था, है ना, इसने कुछ कारनामे किए, उनमें से एक था प्रतीकात्मक सिक्के चलाना। इसने अभी वर्तमान में जो सिक्के चलते हैं प्रतीकात्मक सिक्के, क्या 100 रुपए के नोट का एक्चुअल मूल्य, उसकी जो कॉस्टिंग होगी बनने में, क्या वही है? नहीं, ठीक है, उसकी वैल्यू 700 हो सकती है, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है ना, वो 100 रुपए नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसके अंतर समझना, चांदी का एक सिक्का, है ना, उसकी कॉस्ट और वैल्यू इक्वल हो सकती है, क्योंकि मार्केट में जो कॉस्ट होगी वही उसकी वैल्यू भी होगी, चांदी का सिक्का। लेकिन जब नोट होता है, वो पेपर का बना होता है, उसकी कॉस्टिंग होगी 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, ठीक है, बनने की, लेकिन उसका वैल्यू मूल्य कितना है, 100 रुपए का है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने को आइडिया आया कि भैया क्यों हम सोना और चांदी वेस्ट करें, ठीक है, सोना और चांदी वेस्ट क्यों करें, क्यों ना हम तांबे के सिक्के चलवाएं, वैल्यू वही रखें, चांदी की वैल्यू रखें। तो उसने ना तांबे और पीतल के सिक्के चलवा दिए। अब इसने तांबे और पीतल के सिक्के जब मार्केट में लॉन्च कर दिए, तो जानते हो भारत के लोग, है ना, ओवर स्मार्ट है, लोगों ने घर घर टकसाल खोल ली। टकसाल माने वह क्या साधन, है ना, जिसके द्वारा आप क्या करते हो, सिक्कों को बनाते हो। सिक्कों को जहां बनाया जाता है ना, मशीनरी, उसको टकसाल कहते हैं। तो लोगों ने घर घर टकसाल खोल ली, इजिली अवेलेबल था तांबा और पीतल, है ना, तो तांबा और पीतल से सिक्के बनने चालू हो गए, मार्केट में इतना पैसा हो गया कि अर्थव्यवस्था गिरने लग गई, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक परेशान हो गया, और इस परेशानी से बाहर निकलने का केवल एक ही साधन था, जब मार्केट में आप ज्यादा लिक्विडिटी हो, तो लिक्विडिटी कम करने का सबसे आसान साधन है कि मार्केट से पैसा बाहर या अंदर कर लिया जाए, है, मार्केट से पैसा उठा लिया जाए, निकाल लिया जाए। और ये हुआ, मोहम्मद बिन पहला शासक था जिसने विमुद्रीकरण किया, ठीक है। तो विमुद्रीकरण करने का श्रेय किसको जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। रीजन मैंने बता दिया, इसने तांबे और पीतल के सिक्के चलवाए थे, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा क्वेश्चन और एक पूछा जाता है कि बताइए किसके सिक्के, है ना, ठीक है, क्या किसने, इसके जो मुद्रा थी जो अब भी भारत में प्रचलित है, तो रुपया, रुपया जो चलाया वो शेर शाह सूरी ने चलाया, वही शेर शाह सूरी, ठीक है, जिसने हुमायूं को अपदस्थ करके दिल्ली सल्तनत हासिल की थी, है ना, ठीक है। सूरी वंश का शेर शाह सूरी, इसने क्या चलवाया जी, रुपया चलवाया। फिर है आना, ये आना जो है कब तक चला, अंग्रेजों के काल तक चला आना, है ना, एक आना, दो आना, तीन आना, पहले आना होता था ना, ठीक है, तो एक आना, दो आना, 16 आने होते थे, 1 रुपए के 16 हिस्से। तो आना जो है ये चलाया शाहजहां ने, किसने चलाया, शाहजहां ने चलाया, शाहजहां ने, ठीक है, आना किसने चलवाया, शाहजहां ने,
है ना। मुगल शासक शाहजहां, इसने क्या चलवाया, आना चलवाया, ठीक है। फिर अकबर, मुगल काल कहीं, राम सीता सिक्का, राम और सीता अंकित सिक्का किसने चलवाया, अकबर ने, किसने चलवाया, अकबर ने, राम और सीता अंकित सिक्के किसने चलवाया, अकबर ने, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक तरफ नाग है ना, ये समझ लो नाग है ना, ठीक है, कालिया नाग, और लक्ष्मी अंकित सिक्के किसने चलवाया, मोहम्मद गौरी ने, किसने चलवाया, मोहम्मद गौरी ने, कालिया नाग है ना और लक्ष्मी अंकित सिक्के, ठीक है, किसने चलवाया, किसने चलवाया जी, मोहम्मद गौरी ने, ठीक, समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आई आपको। राम सीता सिक्का अकबर, लक्ष्मी अंकित सिक्का मोहम्मद गौरी, रुपया शेर शाह सूरी, आना शाहजहां, चमड़े का सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक, निजाम भेजते हुए पहला विमुद्रीकरण मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, सातवाहन शासक ने नाम अंकित सिक्के चलाए, सिक्के अंकित सिक्के, सिक्के वाले शीशा वाला सिक्का सात वाहनों ने चलाया, ठीक है। एक शासक था इल्तुतमिश, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश जो था इसने चांदी का टका, बांग्लादेश की मुद्रा है चांदी का टका, टका चलता है अभी वहां है ना, तो चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया इसने, तांबे के जीतल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता ही है इससे, है ना, ये पूछा भी जाता है कि चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया, तो ये तुर्क शासक था है, तुर्क मुसलमान शासक इल्तुतमिश, ठीक है, 175 ग्रेन के होते थे, ठीक है, क्या 175 ग्रेन, ठीक है, क्लियर है, देखो कितना सारा है, सिर्फ सिक्कों का इतिहास, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है अदली सिक्का, ठीक है, क्या अदली, मैं जहां पर जगह बच रहा है वहां पर बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि बोर्ड में हम इतनी सारी चीजों को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्रम से ही लिखेंगे जो मैं क्रम बता रहा हूँ, अदली, कई जगह अदनी भी नहीं मिलता है ना, अदली क्या था, पूछता है आपको कि चांदी का है कि तांबा का है, तो अदनी या अदली ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे, 144 ग्रेन के, 144 ग्रेन, है ना, ग्रेन को याद नहीं रखना है आपको, बस ये ध्यान रखिए कि क्या था, अदनी था, ठीक है। Clear? अच्छा एक चीज मैं बताता हूं, भारत में जो पहला सिक्का मिला है ना, क्या भारत का पहला सिक्का पाना, छठवीं से पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर देश में गोरखपुर में पाया गया था, हाथी और बाघ उत्कीर्ण है ये, है ना, ठीक है, और इसी के बाद सिक्कों का अध्ययन यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन चलो इसको मत लिखो आप लोग, बस यही लिखो, ठीक है।
ये आपके क्या हो गए, इतने सारे तत्व हो गए, है ना। और इन सबको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता ही पूछता है ना। सिक्कों का अध्ययन, न्यू मैथमेटिक्स, है ना। आहा सिक्के सर्वप्रथम जारी हुए, चांदी या तांबे के, है ना, ठीक है। काशार्पण कहा गया साहित्य में उसको। फिर हमने देखा कि भाई सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलाए, यूनानियों ने चलाए। सबसे पहले सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करवाया यूनानियों ने, ठीक है। विल काफियस का नाम आता है कुषाणों में, और इसमें यूनानियों में मिलिन का नाम आता है ना। धम्म चक्र उलूक अंकित सिक्के, सर्वाधिक सिक्के मौर्यों ने जारी किए, दिनांकित सिक्के शकों ने जारी किए, रुद्रदमन ने संस्कृत का सिक्का चलाया। सर्वाधिक शुद्ध प्योरिटी की बात आए तो कुषाण, सर्वाधिक ताम्र सिक्के की बात आए तो कुषाण, सर्वाधिक शुद्ध सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के की बात आए तो गुप्त क्वांटिटी में बात हो रही है। अब इसके अलावा गुप्तों में चंद्रगुप्त ने चांदी का, रामगुप्त ने तांबे का, कुमार गुप्त ने कार्तिकेय मयूर का, है ना, ठीक है। समुद्रगुप्त ने किसका, वीणा बजाते हुए, ठीक है। शिकार दृश्य, ये सब तुमको और डीप मिलेगा, धीरे धीरे पढ़ोगे तो और मिलेगा। तो शिकार करते हुए, वीणा बजाते हुए, है ना, ये जो सिक्के हैं वो किसके हैं, समुद्रगुप्त के हैं। शिकार करते हुए, वीणा बजाते हुए सिक्के, है ना, दोनों, ठीक है। फिर है सातवाहन वंशी यज्ञ श्री सप्तकर्णी, इस नाम अंकित सिक्का, ठीक है। शीशे के सिक्के सातवाहनों ने, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं भाई चमड़ा का सिक्का, मोहम्मद बिन तुगलक, निजाम भिस्ती, हुमायूं काल में एक दिन का शासक था निजाम भिस्ती। विमुद्रीकरण करने का श्रेय उसको है, मोहम्मद बिन तुगलक को, क्यों, क्योंकि उसने क्या कर दिया था भाई, प्रतीकात्मक सिक्के चलवा दिए थे, है ना, ठीक है। रुपया शेर शाह सूरी, ठीक है, आना शाहजहां, ठीक है। राम सीता अंकित सिक्के अकबर, लक्ष्मी अंकित सिक्के मोहम्मद गौरी, ठीक है। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे के जीतल चलाए, ठीक है। फिर अदली जो थी, है ना, क्या अदली, तो अदली जो सिक्का है ना, ये किसका हुआ करता था, अदली जो सिक्का है ये चांदी का हुआ करता था, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। तो इतने सारे सिक्के हैं, है ना, और आपको आगे और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इतिहास, उसमें ये पूरा सिक्कों का अध्ययन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो सिक्कों का अध्ययन हमने देखा है ना, इसमें मेरे ख्याल से और कुछ पॉइंट छूटे नहीं है ना। लगभग हमने सब सिक्कों का अध्ययन हमने देख लिया। यहाँ पर एक और थोड़ा सा मिलता है, हाथ में शराब लिए हुआ, जहांगीर का था वो, है ना, ठीक है। हिंदू सोमवत वाला सिक्का चलवाया टीपू सुल्तान ने, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब देखो इसके बाद आता है स्मारक। स्मारक भी महत्वपूर्ण अवशेष हैं जो हमारे इतिहास को जानने में मदद करते हैं, है ना, हमारे कल्चर को जानने में मदद करते हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, है ना, हड़प्पा के अवशेष हो, है ना, तक्षशिला हो, नालंदा हो, ये सब अवशेष इतिहास को जानने में मदद करते हैं। स्मारकों को उतना डिटेल हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। जहां पर जो चीजें मिलेंगी उसको हम अलग से देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम मूर्तियों के बारे में देखें, तो मूर्तियों का निर्माण जो है वो कुषाण काल में हो, याद रखिए। मूर्ति निर्माण की जो कला है वो कुषाणों के काल में आरंभ हुई, है ना, क्या, किसके काल में, कुषाणों के। ऐसे ऐसा नहीं कुषाण से पहले नहीं होता, होता था, लेकिन मेनली कहाँ से हुआ, कुषाण काल से। गांधार कला शैली की हम बात करेंगे, कुषाणों की ही देन है गांधार कला शैली, है ना। और इन सब चीजों को हम देखते हैं एक्चुअल में आर्ट एंड कल्चर में, है ना, गांधार कला शैली, बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, है ना। मंदिर निर्माण की जो कला है ना, उत्तर भारत में जो प्रचलित है उसको नागर शैली कहते हैं। मंदिर निर्माण की कला उत्तर भारत में प्रचलित है उसको नागर शैली कहते हैं। दक्षिण भारत की जो मंदिर निर्माण की जो कला है उसे कहते हैं हम
द्रविड़ शैली, और दोनों का मिश्रित स्वरूप जो है वो बेसर शैली कहलाता है। सीजीपीएससी में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिला है ना कि इनमें से कौन बेसर शैली का है। तो आपका होयसल का जो मंदिर है ना, ठीक है, वो कौन सा है आपका बेसर शैली का है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त है। अच्छा, कुछ और है अगर आप लिखना चाहो तो, जैसे दिनार है, सोने का दिनार है, सोने का दिनार भी, सोने का दिनार कुछ मैंने और निकाले हैं है ना। सोने का दिनार, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था। अदली जो था, अदली है ना, जो मैंने अभी बताया है ना, ये चांदी का सिक्का, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलवाया था, अदली है ना। किसने अपने सिक्कों में अल सुल्तान जिली अल्लाह है ना, इल्ला, किसने अंकित करवाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक था है ना। है ना, ठीक है। संजगनी, संजगनी वंश किसने चलाया था, एक था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक है ना, तो इसने संजगनी सिक्का चलवाया, संजगनी सिक्का किसने चलवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसको संजगनी कहते थे है ना। ठीक है, बहलोती सिक्का, बहलोत लोधी है ना। एक तरफ कलीमा और दूसरी तरफ लक्ष्मी है ना, कलमा अंकित और दूसरी तरफ लक्ष्मी, ये भी गौरी का है। ठीक है, इसके अलावा बस मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। ठीक है, तो ये आपका सिक्कों का इतिहास है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे तो हम बात करेंगे मृदभांडों का इतिहास, NVPW OCPW है क्या, क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना, और उनको देखेंगे, और उसके बाद साक्षी साक्ष्य को हम वहां पर डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा डेप्थ है, थोड़ा टाइम भी लग रहा है, लेकिन जरूरी है ना, क्योंकि एक क्यूमुलेटिव एक हिस्ट्री है ये, है ना। आप जैसे चैप्टर वाइज बीच में पढ़ते हैं ना, उसको हमने क्या कर दिया, समेकित कर दिया, एक तरह से वन लाइनर्स है ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है ना, और जरूरी भी है ना, क्योंकि ये पूरा समेकित इतिहास है, समेकित इतिहास है, तो उसमें सभी जगह की चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस की जो पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ से ज्यादा रहती है। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साहित्यिक साक्ष्यों और मृदभांडों के आधार पर इतिहास देखेंगे, और उसके बाद ये आपका ये वाला सेक्शन जो है, ये चैप्टर जो है, ये खत्म हो जाएगा, और सीधे हम नेक्स्ट डे से, नेक्स्ट क्लास से, आगे आने वाली क्लास से हम पढ़ेंगे आपका पाषाण का। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।